अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शिराज अहमद वॉइस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तमाम ममालिक अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद जंगी साजो सामान और असलहा बनाने या खरीदने में मसरूफ हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने जंगी हथियार खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। ऐसे में पाकिस्तान को भी अपनी सलामती बरकरार रखने के लिए जदीद हथियारों की ज़रूरत थी, मगर पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं थी कि सारे हथियार दूसरे ममालिक से खरीद सके। ऐसे में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके खुद साख्ता छोटे हथियार बनाना शुरू किए। फिर चीन ने भी दिफाही मैदान में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दोस्तों, आज पाकिस्तान कई तरह के जंगी हथियार, टैंक, मिजाइल, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारे बनाने में खुद कफील हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज की वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान की तैयार करदा पहली टार्सियर लेजर वेपन साइट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, इस तस्वीर में पाक आर्मी के सिपाही को G3P4 मार्क्स मैन बैटल राइफल से लैस देखा जा सकता है। इस राइफल पर एक स्कोप नस्ब है, जिसे टार्सियर थर्मल वेपन साइट यानी के रात को देखने वाली स्कोप कहा जाता है। इस लेजर वेपन स्कोप की मदद से दुश्मन की हलचल को अंधेरे और रोशनी में बआसानी और ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर पाक फौज के जवान दुश्मन को 100% एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की खुद साख्ता पहली वेपन स्कोप है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारे शिबली में की गई है। इसका इस्तेमाल असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैवी और लाइट मशीन गन्स पर किया जा सकता है। शिबली थर्मल वेपन स्कोप को बेहतरीन किस्म के एल्यूमिनियम से तैयार किया गया है। इसका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम है और यह हर तरह के मौसम, दिन रात, किसी भी जगह 3 किलोमीटर की रेंज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से छोटी चीजों को भी डिटेक्ट कर सकती है, जबकि यह स्कोप बड़ी चीजों, मसलन गाड़ियों, टैंकों वगैरह को 4 किलोमीटर से ज्यादा एरिया तक से डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है। इसके जरिए दुश्मन के छुपे हुए स्नाइपर्स की भी निशानदही की जा सकती है। पाक आर्मी और SSG कमांडोज इसे G3 के अलावा M4 राइफल, M82 बैरेट और दूसरी स्नाइपर राइफल्स पर इस्तेमाल करते हैं। शिबली थर्मल वेपन स्कोप की एक बड़ी खूबी यह है कि इसमें 4 AA बैटरी इस्तेमाल होती है और एक बैटरी पर यह 10 घंटे मुसलसल काम कर सकती है। पाक फौज के लिए LOC पर दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में यह थर्मल लेजर स्कोप इंतहाई कारामद है। दुश्मन फौजियों के आधे उड़े हुए सर देखकर बड़े बड़े दिफाही माहिरीन, पाकिस्तानी शूटर्स और शिबली थर्मल लेजर वेपन स्कोप की खसूसियात से मुतासिर हुए बिना न रह सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज इंदाबाद।